गई भोले बाबा चुनरिया तो डाल ली, लेकिन घूंघट तो मारो। लेकिन भोले बाबा एक बहुत बड़ी गड़बड़ है क्या? भोले बाबा नारी का रूप धारण करके जब गए तो पार्वती को अंदर जाने दिया, लेकिन भोले बाबा को उन गोपियों ने अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, यही से
और इसी बीच में सोनू, इनकी तरफ से हमारा माल्या प्रकट सम्मान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। अशोक बाल्मीक साउंड वाले नगला पाई यदवंश नगर से इनकी तरफ से 101 रुपए से हमारा सम्मान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में सूरज बालमी नगला पाई से इनकी तरफ से 101 रुपए से हमारा सम्मान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोले बाबा जब अंदर के लिए गए हैं तो गोपियों ने रोक लिया। भैया पार्वती से कहा, पार्वती ये तुम्हारे साथ में जो आई कौन है? बोले बहना ये हमारे लला गणेश की पत्नी है। पत्नी? बोले हाँ। शादी कब कर ली? बोले बहना जल्दी की शादी हती, इसलिए हम किसी को बुला नहीं पाए। गोपियां कहने लगी तो ऐसे करो बहना, जब बहू को मुंह दिखाए दो। भोले बाबा ने कस के घूंघट और पकड़ को पोल पट्टी खुल गई तो महाराज से दिखबे के लेना ही मिलेगो। और ये विष्णु और वैष्णवी कश्यप, इन दोनों बच्चों की तरफ से हमारा सम्मान हुआ है। भगवान से कामना है बच्चों की लंबी आयु रहे, शिक्षा में बहुत ऊंचे जाए, माँ बाप का नाम रोशन करें, ये भगवान से आकांक्षा प्रार्थना है। बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिए। इस सर्वेश बाल्मीक नंगला पाई इनकी तरफ से 101 रुपए से हमारा सम्मान हुआ है। और समस्त कमेटी की तरफ से जो हमारा सम्मान भी हुआ है, 501 रुपए का हार पहना करके, एक पगड़ी पहना करके 21-21 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान किए हैं। जोरदार तालियों से इन भक्तों का स्वागत करिए। और इसी बीच में ये श्रीमान बिमलेश शास्त्री जी की धर्मपत्नी यदवंश नगर से, इनके द्वारा हमारा सम्मान हुआ है। 501 रुपए का हार पहना करके जोरदार तालियों से इनका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से कामना है धन की प्राप्ति होती रहे, धर्म के नाम पर हमेशा आगे बढ़ती रहे। जनरल